सीरतुल नबी स्टडी एंड रिसर्च सेंटर के जेर एहतमाम 10 मार्च को मोगल फंक्शन हॉल में जलसा रहमतुल्लिल आलमीन इस्तकबालिया रमजान और तहनियतियों तकसीमी इनामत प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। आज से 3 महीने पहले साल 2023 दिसंबर 3 से लेकर दिसंबर 10 तक गुलबर्गा शहर में सीरतुल नबी स्टडी एंड रिसर्च सेंटर की जानिब से इस्लामिक क्विज कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किया गया था। इस कॉम्पिटिशन में हजारों की तादाद में स्कूल, कॉलेज और मदरसे के बच्चों ने हिस्सा लेकर काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है। इस मौके पर सीरतुल नबी स्टडी एंड रिसर्च सेंटर के प्रेसिडेंट जनाब डॉक्टर असगर चुलबुल और दीगर जिम्मेदारों ने प्रेस मीट कर 10 मार्च को होने जा रहे सीरतुल नबी जलसा रहमतुल्लिल आलमीन प्रोग्राम की डिटेल बताई है। क्विज कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिए तमाम तुलबा और तालिबात को इस प्रोग्राम के जरिए इनामत दिए जाएंगे। तमाम तुलबा और तालिबात के साथ स्कूल, कॉलेज और मदरसे के टीचर्स और बच्चों के माँ बाप को भी शिरकत की गुजारिश की गई है। इस प्रोग्राम में खास मेहमान मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रेसिडेंट और डॉक्टर सैयद शाह खुसरो हुसैनी साहब को वाइस प्रेसिडेंट बनाए जाने पर इन दोनों को तहनियत पेश की जाएगी और इनके अलावा शोभा उर्दू उस्मानिया यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट मौलाना मुस्तफा शरीफ साहब और मेंबर ऑफ मेहराब फाउंडेशन और सफाई बैतुल माल के प्रेसिडेंट मौलाना गयास अहमद रशादी साहब को भी तहनियत पेश की जाएगी। और इस प्रोग्राम से जुड़ी मजीद तफसीलात जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय पीस इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल ब्रांच हगरगा रोड एंड मिसबा नगर गुलबर्गा। स्टूडेंट्स गेटिंग एजुकेशन फॉर बोथ द वर्ल्ड्स बेस्ट एकेडमिक इंग्लिश एजुकेशन डिप्लोमा इन अरबिक 2023 एडमिशन स्टार्टेड। कॉन्टैक्ट एंड विजिट स्कूल फॉर मोर डिटेल्स। 10 मार्च को सीरतुल नबी स्टडी एंड रिसर्च सेंटर के जेर एहतमाम जलसे रहमतुल्लिल आलमीन इस्तकबाल रमजान तहनियत व तकसीम इनामात जो 3 दिसंबर था 10 दिसंबर आइडल इंग्लिश मीडियम स्कूल में इनामी मुकाबला जो कंपटीशन बज़िमन जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा गया था, अल्हम्दुलिल्लाह उस तारीख का ऐलान हो चुका है। तमामी हमारे मेहमानान ने उस जलसे में शिरकत की रजामंदी का इजहार किया है। तो यहाँ पर स्कूल के जो तलबा तालिबात ने हिस्सा लिया था तकरीबन 150 के करीब स्कूल, मदारिस इस्लामिया, कॉलेजेस के तलबा तालिबात ने हिस्सा लिया है। उन तमाम स्कूल, कॉलेजेस और मदारिस इस्लामिया को बाज़ाब्ता एक लेटर के ज़रिए उनको इतला दी गई है कि 10 मार्च को आप वहाँ पर शिरकत करें। और साथ ही साथ 10 मार्च को मैं तमाम तलबा और तलबात और ख़ासकर असातिज़ा और वालिदैन से ये गुजारिश करता हूँ कि आप ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। पहला इनाम 6,000, 4,000, 3,000, 2,000 जो रखा गया है अव्वल, दुवम, सोवम, चारम, इनके अलावा भी जिन जिन तलबा और तलबात ने इन तमाम कॉम्पटिशन्स में इनामी मुकाबलेजात में पार्टिसिपेट किया है उन सभी को इंशाअल्लाह तोहफे, तवायफ और सर्टिफिकेट से नवाजा जाएगा। तो उनसे ये अपील है कि उसी दिन अगर वो आ जाएं तो बेहतर रहेगा, क्योंकि रमज़ान 2 दिन के बाद शुरू होने वाला है। हम स्कूल तक वहाँ उनके जो तोहफे, तवायफ जो पहुँचाया करते थे, अब इस मरतबा इंशाल्लाह वो काम नहीं हो सकेगा। तो अब गुजारिश है कि 10 मार्च को 10:30 बजे मुग़ल गार्डन फंक्शन हॉल में आप वहाँ पर तमाम तलबा और तालिबात, स्कूल के जो टीचर्स हैं और वालिदैन, वो ज़रूर उसमें शिरकत करें। और वहाँ पर इंशाअल्लाह मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब जो अभी हाल हाल में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मुंतखब हुए हैं उनको तहनियत पेश की जाएगी। साथ ही साथ हमारे और एक नायब सदर जो हमारे ज़िले गुलबर्गा की दक्कन की मारूफ शख्सियत तकद्दस माँ हज़रत डॉक्टर सैयद शाह गेसु दराज खुसरो हुसैनी साहब खिबला, उनको नायब सदर मुंतखब किए जाने पर उनको भी तैनियत पेश की जाएगी। इसके अलावा मुफस्सिर कुरान मोहतरम मौलाना मुस्तफ़ा शरीफ साहब जो सदर शोबे उर्दू उस्मानिया यूनिवर्सिटी के अपने वहाँ पर खिदमत अंजाम दे चुके हैं उनको, और मौलाना गयास अहमद रशादी साहब जो मेंबर ऑफ मेहराब फाउंडेशन के कौमी सदर हैं, सफ़ा बैतुल माल के सदर हैं, उनकी खिदमत को भी सराहते हुए वहाँ पर इंशाल्लाह उनको भी तहनियत पेश की जाएगी। और जो मुल्क के जो चैलेंजेस हैं, मुल्क में जो मुसलमानों के सामने जो चैलेंजेस हैं उस पर और इस्तकबाल रमज़ान पर और कुरान मजीद की फजीलत पर तकरीबन
डेढ़ दो घंटे में वो प्रोग्राम चलेगा, बयानात होंगे मेहमानान के और मुकामी उलमा इकराम मशाइखे निज़ाम इंशाल्लाह उसमें शिरकत करेंगे। और उसके बाद फौरन जो है इनामात जो अव्वल दुवम सुवम जो एक एक बैच जो 14-15 जो बैच हैं, एक एक बैच 15,000 का है, इन तमाम मेहमानों के दस्ते मुबारक से हम इंशाल्लाह उन तमाम मेहमानों के हाथों उन तलबा व तालिबात जो अव्वल दुवम सुवम चारुम जो सेलेक्ट हुए हैं मुंतखब हुए हैं उनको दिए जाएंगे। साथ ही साथ बहुत सारे तलबा व तालिबात नात में खिरात में सिरात क्विज़ में ज़्यादा तादाद में हिस्सा लिए हैं तो उनको भी हमने तरगीबी इनाम के तौर पर कुछ ना कुछ रकम और जो अहम कीमती जो तोहफे हैं उनको हमने कमेटी हमारे दोस्त अहबाब ने देने का इरादा किया है। तो आप ज़रूर इसमें शिरकत करें, किसी भी हाल में इसको मिस मत करें। और मैं इस मौके पर हमारे दरमियान मौलाना मोहतरम इस्माइल मुदस्सिर साहब बानी व मोहतरम मदरसा अनवरुल इस्लाम यहाँ मौजूद हैं और हमारे दरमियान सीनियर साहबी अजीज़ुल्लाह शर्मा साहब हैं, इंजीनियर मुश्ताक अहमद साहब हैं, अफजाल महमूद हैं। मैं मौलाना से गुजारिश करता हूँ कि वो हमारा जो ब्रोचर है हमारा जो जो प्रोग्राम है दावत नामे का उसको अपने हाथों से रिलीज़ करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीरतुल नबी स्टडी एंड रिसर्च सेंटर आल इंडिया मिल्ली काउंसिल मरकज़ी कमेटी की एहतमाम गुज़िश्ता 4 सालों से जो जलसे मुनक़िद किया जा रहे हैं तलबा व तालिबात के लिए हुस्न खिरत और सीरतुल नबी और जो है ना कुरान क्विज़ और इनमें जो तलबा तालिबात हिस्सा लिए और इसमें कामयाब इम्तियाजी कामयाबी हासिल किए और इनामात के मुस्तहिक उनके लिए मैं मुबारकबादी देता हूँ और इनकी तैयारी में जो भी असाज़ा उनके लिए रहनुमाई करे उनकी भी जो है ना मुबारकबादी देता हूँ, उनके वालिदैन मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह ताला फरमाते साबिक़ु इलल खैरात, नेक कामों में कोशिश करो जद्दोजहद करो। तो ये यूँ आदमी जो है ना कोई चीज़ की जो है ना मुताला नहीं करता, लेकिन ये कॉम्पटिशन की वजह से बच्चों के अंदर उतने मालूमात हुए, उनके अंदर जो है ना एक जज्बा आया और उनके अंदर कोशिश हुई और उनके अंदर जो है ना मुताले का शौक़ हुआ और फिर बहुत से मालूमात हुए। ये जो है ना उस हुस्ने खिरत और स्टडी सर्कल की मरहून मिन्नत है जनाब हमारे डॉक्टर साहब चुबल की जो कोशिशें गुज़िश्ता चंद सालों से ये काबिल मुबारकबाद हैं। और जो जलसा मुनक़िद होने जा रहा है जलसा रहमतुल्लाह आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तक़बाल तहन तकसीम इनामत जिसमें आल इंडिया मुस्लिम पसल्ला बोर्ड के नायब सदर मुंतखब होने पर तकद्दस माँ हज़रत सैयद शाह गिसराज खुसरो हुसैनी साहब क़बीला मंज़िल आली बारगाह बंदा नवाज़ अल्लामा मौला ख़ालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब जो मुस्लिम बोर्ड के सदर मुंतखब हुए हैं, डॉक्टर मुस्तफ़ा शरीफ साहब क़बीला जो साबिक सदर शोबे अरबी उस्मान सिटी और मौलाना गियास अहमद सर रशादी बानी मुहर्रिक मिंबर व मेहराब फाउंडेशन हैदराबाद, इन जो है ना उलमा किराम और जो है ना मशाइख हजरात की इसमें शिरकत होंगी, उनको तहनीत पेश की जाएगी। इसके अलावा भी मुख्तलिफ जो है ना दरगाहों से वाबस्ता मशाइख अज़म तशरीफ़ लाएंगे, उलमा किराम तशरीफ़ लाएंगे, इन सब को सुनने और देखने का मौका मिलेगा।
इसलिए मैं शहर अहलिया ने शहर गुलबर्गा के हजरा से गुजारिश करता हूँ कि वो इस जलसे को जो है ना कामयाब बनाने के लिए खुद शरीक हों, अपनी मालूमात में इजाफा करें। और फिर मैं मुबारकबाद देता हूँ तमाम तलबा तालिबात को जिसमें जो इसके अंदर जो है ना कॉम्पिटिशन हिस्सा लिया और कामयाब हुए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। सीरतुन्नबी स्टडी एंड रिसर्च सेंटर कर्नाटका, ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल और मरकजी सीरत कमेटी जिला गुलबर्गा के ज़ेर एहतमाम जो पाँचवा सालाना जलसा रहमतुल्लाह आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इस्तकबाल रमज़ान व तहनियत व तकसीम इनामात का प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह 10 मार्च 2024 बरोज़ इतवार सुबह 10:30 बजे बमुकाम मुग़ल गार्डन फंक्शन हॉल टिपू सुल्तान चौक रिंग रोड पर रखा गया है। इस जलसे की निगरानी डॉक्टर मोहम्मद असगर चुलबुल जो चेयरमैन सीरतुन्नबी स्टडी एंड रिसर्च सेंटर कर्नाटक और चेयरमैन सीरतुन्नबी मुकाबला जात कमेटी गुलबर्गा ज़िला इसकी निगरानी फरमाएंगे। और इस जलसे की सरपरस्ती हमारे शहर के तकद्दस माब हजरत डॉक्टर सैयद शाह गेसुदराज खुसरो हुसैनी साहब फिबला फरमाएंगे और तकद्दस माब हजरत सैयद शाह हाफिज अली अल हुसैनी साहब फिबला भी इस जलसे की सरपरस्ती फरमाएंगे और तकद्दस माब हजरत सैयद शाह हसन शब्बीर हुसैनी मारूफ अखिल बाबा साहेब और तकद्दस माब हजरत डॉक्टर अलाज शेख शाह मोहम्मद अफजलुद्दीन जुनेदी उर्फ सराज बाबा खिबला साहेब और तकद्दस माब हजरत सैयद शाह हुसामुद्दीन हुसैनी हाशिम पीर खिबला सज्जादा नशीन आस्थाने तेग बराना इस मुकद्दस जलसे की सरपरस्ती फरमाएंगे। इस जलसे में मैं कई हमारे शहर के और ज़िले के मशायख़ इकराम जो है ना इसमें शिरकत फरमाएंगे और मेहमान खुसूसी की हैसियत से उलमा इकराम भी इस जलसे में शिरकत फरमाएंगे। और आज ये इस जलसे में मेहमान एजाजी की तौर पर हमारे शहर के इलियास सेठ बागबान, नासिर हुसैन उस्ताद साहब, यूनुस खान केटिया साहब, पीरजादा फहीमुद्दीन साहब, अब्दुल जब्बार गोला एडवोकेट साहब, समद पटेल जॉइंट डायरेक्टर महकमे ज़रात, हाजी अब्दुल रहीम मिर्ची साहब, इंजीनियर अमीन मुख्तार साहब, इंजीनियर अब्दुल खयूम साहब, इंजीनियर मोहम्मद अजीज़ुद्दीन अहमद साहब, सैयद अब्दुल रब मौजूफ कमिश्नर वाहिद अली फातिह खानी साहब, हाजी जमीलुर रहमान साहब, इंजीनियर मोहम्मद रफ़ी एशन माल, मोहम्मद इफ्तखार अफजल नक्शबंदी क्लास वन कॉन्ट्रैक्टर साहब, आजम अली क्लास वन कॉन्ट्रैक्टर, मोहम्मद अतीक एजाज मालिक अतीक फंक्शन हॉल, मोहम्मद यूसुफ मरपल्ली साहब, अलहाज अब्दुल खदीर साहब, तजम्मुल हुसैन एडबली महकमे तामीरात, इंजीनियर मोहम्मद महमूद मौजूफ एडबली, जनाब आरिफ अली मनियार साहब, मोहम्मद मोहियुद्दीन पार्टनर मुग़ल गार्डन और जनाब जाफर अली शाह पार्टनर मुग़ल गार्डन, अब्दुल अजीम गोलकुंडी, इंजीनियर सैयद नैयर खुर्शीद साहब, अब्दुल सत्तार कुरैशी साहब, अजीमुद्दीन शिरनी फरोश कारपोरेटर साहब, मोहम्मद ताहिर अली कारपोरेटर साहब, इम्तियाज़ अहमद सिद्दीकी सदर इत्तेहाद मिल्लत कमेटी खासकर इस जलसे में मेहमान एजाजी की तौर शिरकत फरमाएंगे। इस जलसे में खासकर हम जनाब अलहाज अब्दुल रहीम मामूपुरी साहब जो चेयरमैन मोहम्मद उमर अली एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट गुलबर्गा हैं, जिन्होंने इंग्लिश मीडियम आइडियल स्कूल को हमारे इस प्रोग्राम को वहां पे चलाने के लिए एक हफ्ते के लिए तकरीबन अपना पूरा स्कूल मुफ्त में हमको मुहैया किया है, जिसके लिए हम उन्हें भी उस दिन तहनियत पेश करेंगे। मैं इस मौके पे गुलबर्गे के अवाम से खासकर जो बच्चे इस मुकाबला जात में हिस्सा लिए हैं उनके पेरेंट्स से गुजारिश करता हूं कि कसीर तादाद में शरीक होकर इन बच्चों की हिम्मत अफजाई कर फरमाएँ और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाएँ। शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गुलबर्गा शहर के लिए बड़ी ही मसरत की बात है कि सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टडी एंड रिसर्च सेंटर की जानिब से ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल और मरकज़ी सीरत कमेटी की जानिब से जो 5 सालों से इकदाम लिया गया है कि नई नस्ल को दीनी बेदारी मुहैया की जाए और ख़ास करके उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से वाकिफ़ करवाया जाए,
इस सिलसिले में जो एक बेहतरीन इकदाम जनाब अलहाज असगर चुलबुल साहब ने लिया है और उनके तमाम तर माविनीन ने लिया है, इसका आज गुलबर्गा शहर ही नहीं बल्कि पूरे ज़िले में असर महसूस हो रहा है। मैं ये बात आप लोगों के सामने कहना चाहता हूँ कि नई नस्ल अल्हम्दुलिल्लाह अब सीरत से वाकिफ़ भी हो रही है और उसकी तरफ मुतवज्जे भी हो रही है। चंद दिन कबल हम ये महसूस करते थे कि नई नस्ल के अंदर वो एहसास नहीं नज़र आता था कि हम लोगों को अपने दीनी मालूमात में इजाफ़ा करना चाहिए, मिल्लत की बेदारी हासिल होनी चाहिए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से इल्म हासिल करना चाहिए उनकी ज़िंदगी के बारे में और सीरत के मुतालिक। पर आज ये महसूस होता है कि कई सारे स्कूल्स, कई सारे इदारे अब जुड़ते जा रहे हैं इस एक तहरीक के साथ में जो नौजवानों में, नई नस्ल में एक अच्छा पैगाम पहुंचा रही है। एक कल ही की बात है कि हम लोग एक स्कूल गए थे, जो स्कूल के तमाम तर तलबा इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिए, ख्वाह वो क्विज़ कॉम्पिटिशन हो, नात कॉम्पिटिशन हो, खिरत कॉम्पिटिशन हो, तमाम तर कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेकर बहुत सारे बच्चों ने इनामात भी हासिल किए हैं। वहाँ पर जाने के बाद ये एहसास हुआ कि वो बच्चों के अंदर दीनी बेदारी इस कदर आ चुकी है कि वो लोगों में मुख्तलिफ सीरत के पहलुओं को उजागर करने के लिए प्रोग्राम्स मुनक्किद हो रहे हैं। आज ये एक बहुत बड़ा इकदाम है और तमाम तर दीगर स्कूल्स भी मैं समझता हूँ कि अब जो जुड़ना शुरू हुए हैं उन स्कूलों में भी इस तरीके के प्रोग्राम्स आने वाले दिनों में होंगे और इसके लिए एक बहुत बड़ी पहल सीरतुन्नबी स्टडी एंड रिसर्च सेंटर की जानिब से की जाएगी और जो सेंटर कायम होगा वहाँ पर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के ज़रिए नौजवानों को, नई नस्ल को, तालिब इल्म को और तमाम तर गुलबर्गा के शहरियों को, बाशिंदों को एक अच्छा पैगाम, मिल्ली दीनी और फलाही पैगाम इस सेंटर से दिया जाएगा। मैं 10 तारीख को जो प्रोग्राम रखा गया है, जो प्राइजेस को डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रोग्राम रखा गया है, उस सिलसिले में बस इतना कहना चाहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इसमें शिरकत करें, तलबा भी शिरकत करें और साथ ही साथ उनके वालिदैन से भी गुजारिश है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इसमें शिरकत करके इस इजलास को कामयाब करें। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। और साथ ही साथ जो मीडिया ने किरदार निभाया है, ख़ास करके एक हफ्ते तक वो लोगों ने मुसलसल आइडियल स्कूल में जहाँ पर ये पूरा का पूरा सिलसिला जारी रखा गया था, वहाँ पर जो इनाम कॉम्पिटिशन्स रखे गए थे उन कॉम्पिटिशन्स को कवरेज करने के लिए वो जो हाजिर रहे थे और अपना पूरा वक्त दिया था, मैं उन तमाम तर मीडिया वालों का तहे दिल से मशकूर हूँ, तमाम तर हमारी कमेटी की जानिब से शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम शहरिया ने गुलबर्गा के लिए सीरतुन्नबी स्टडी रिसर्च सेंटर कर्नाटक वो ऑल इंडिया मिली कौंसिल मरकजी सीरत कमेटी के ज़ेर एहतमाम शहर गुलबर्गा में पाँचवा सालाना जलसा रहमतुल्लिल आलमीन व इस्तकबाल माह रमज़ान तहनियत व तकसीम इनामात का एक अजीमुशान जलसा रखा गया है। इस जलसे की निगरानी डॉक्टर मोहम्मद असगर अहमद चुलबुल साहब फरमा रहे हैं। ये जलसा बतारीख 10 मार्च बरोज़ इतवार सुबह 10 बजे बमखाम मुग़ल गार्डन फंक्शन हॉल में रखा जाएगा। तमाम शहरियान गुलबर्गा से बिलखसूस गुजारिश की जाती है कि कसीर तादाद में इस जलसे में शिरकत फरमाएं और आने वाले वक्त को अच्छी तरह से समझते हुए इसमें अपने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को मद्देनज़र रखते हुए ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। तमाम शहरियाने गुलबर्गा से गुजारिश की जाती है कि कसीर तादाद में शिरकत फरमाएं।
This video presented by Peace Islamic International School Branch Hagraga Road and Misbah Nagar Gulbarga. Students getting education for both the worlds. Best academic English education. Diploma in Arabic. 2023 admission started. Contact and visit school for more details.